नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा, और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान डॉक्टर प्रदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी दर्शकों, ऐसी युवा शख्सियत जिसको आपने कभी ना कभी किसी कम्युनिटी रेडियो पे भी, आपने आरजे प्रदीप के नाम से भी आपने कभी ना कभी आपने सुना होगा, एक मीडिया, एक जो एक पत्रकारिता जगत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसकी अनेकों ऐसी ब्रांचें जिन शाखाओं पर उनकी विशेषज्ञता है, उस विषय पर इनकी पकड़ है, क्या क्या किस प्रकार से, जिसको हम अगर पास्ट में, हम इतिहास में अगर हम जाएं, तो एक विषय होता था कि हम आकाशवाणी से हम समाचारों को सुनते थे, उसके बाद फिर टीवी का ज़माना आया जहां सिर्फ एक दूरदर्शन होता था, जहां हम खबरों को जानने के लिए एक निश्चित समय होता था, उस समय उन खबरों को सुनते रहे, और फिर अब एक ऐसा क्रांतिकारी समय आया जब सैकड़ों की संख्या में आपको अनेकों मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो अनेकों आयाम हैं उस सुविधा के। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आपकी उस विषय में विशेषज्ञता है, आप मीडिया को किस परिभाषा में परिभाषित करते हैं, मीडिया शब्द है क्या? जी, मीडिया अगर हम बात करें तो मीडिया एक माध्यम है, जैसे किसी भी चीज़ तक पहुंचने का कोई माध्यम होता है, ऐसे मीडिया एक माध्यम है खबरों तक पहुंचने का। वो माध्यम जो है पहले सीमित थे, अब वो माध्यम जो हैं बहुत सारे हो गए हैं। जी, अभी आपने ये कहा कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पत्रकार भगवान नारद मुनि को माना गया है। जी, ये हम लोग जो सिलेबस है हमारा, जो मास कम्युनिकेशन का, उसमें भी पढ़ाते हैं। जी, कि जैसा कि भाई हम लोगों ने सुना है या पढ़ा है या देखा है या बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया है कि भगवान नारद समय समय पर अलग अलग भगवानों के पास एकदम से प्रकट हो जाते थे। जी, और वो जो सूचनाएं थी, इधर की सूचनाएं, उधर उधर की सूचनाएं, फिर और आगे। जी, तो उनका जो काम था वो सूचनाएं पहुंचाना था। तो सबसे पहले जो पत्रकार हैं वो नारद मुनि माने गए हैं। जी, आज की बात करें, अभी मैंने जैसे बताया कि मीडिया एक माध्यम है। जी, आज के दिन हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और सूचनाओं को आगे भी भेजते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब आपने बहुत महाभारत काल के समय और रामायण के समय की आपने चर्चा की कि नारद मुनि को पत्रकार के रूप में, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के रूप में देखा जाता था, लेकिन उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इतिहास किस प्रकार से रहा है पत्रकारिता जगत का, मीडिया जगत का, क्या पास्ट है, क्या वर्तमान स्थिति है और क्या भविष्य नज़र आता है, बतौर आपको विशेषज्ञ मीडिया विभाग, जो आप मास कम्युनिकेशन विभाग के विशेषज्ञ के तौर पर आपको भली भांति से जाना जाता है, उस यात्रा को थोड़ा थोड़ा दर्शकों तक पहुंचाते चलें, क्योंकि आपने महाभारत काल और रामायण काल तक तो चर्चा कर दी, उसके बाद की स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करते चलें। बिल्कुल भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, तो गुलामी से आज़ादी तक का जो सफ़र था वो हमारे बहुत सारे ऐसे योद्धा जिन्होंने लड़ाई लड़ी। जी, और उनमें हम बात कर सकते हैं गांधी जी। जी, गांधी जी का सभी को पता है कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे। जी, महात्मा पिता के नाम से उन्हें जाना जाता है। जी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी पत्रकार भी थे। क्या बात, उन्होंने बहुत बात, जानकारी आप साझा कर रहे हैं। जी, बहुत सारे उन्होंने पत्रिकाएँ और पत्र उन्होंने निकाले थे उस वक्त, और आश्चर्य की बात यह है कि ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम पे, क्योंकि अखबारों में जो भारतीयों की आवाज़ है वो उठाई जाती थी। जी, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार में खलबली मच गई कि भाई अब हमारा समय, अंत का जो समय है वो नज़दीक आ गया, तो उन्होंने उन प्रेस को बंद करवा दिया। जी, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त गांधी जी ने कोरे कागज़ पर पेन से लिख कर, जी, पेंसिल से पेन से लिख कर भी बहुत सारे पत्रिकाएं, पत्र निकाले और देश में एक क्रांतिकारी माहौल पैदा किया। जी, जिसकी वजह से आप और मैं यहाँ स्वतंत्र रूप से बैठे हैं। जी, निश्चित तौर पर। जी डॉक्टर साहब, आपने क्रांतिकारी आज़ादी से पहले की चर्चाएं आपने कर दी कि महात्मा गांधी जी भी बतौर संपादक विभिन्न पत्रिकाओं के रहे और क्रांति का एक विगुल बजाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसको कोई मिटा नहीं सकता।
उसके बाद का जो वर्तमान आज़ादी के बाद का जो समय रहा मीडिया का, जब हमने दूरदर्शन पे एक सिर्फ नेशनल चैनल होता था जिसमें 8:30 बजे रात्रिकालीन एक समाचार चलते थे आधे घंटे के, उसको सुनने के लिए लोग इंतज़ार करते थे। उससे पहले आकाशवाणी का समय होता था, लोग सुनते थे। तो उस दौर से लेके और वर्तमान की जो डिजिटल क्रांति आ गई है डॉक्टर साहब, इसमें सोशल मीडिया भी एक मीडिया जगत का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, उस स्थिति को भी थोड़ा अवगत कराते चले डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने वास्तव में जो जानकारी साझा की है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी डॉक्टर साहब, इसी जानकारी को अगर आगे बढ़ाएं तो 1927 के आसपास हमारे भारत में रेडियो की स्थापना हुई थी जी। रेडियो पे कुछ अहम जानकारियां दी जाने लगी थी जी, जैसे खेतीबाड़ी से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित जी। तो उसके बाद फिर सिलसिलेवार जो कार्यक्रमों का जो सिलसिला है वो बढ़ता गया। 1959 में जाके फिर हमें दूरदर्शन मिला था जी, जो हम लोग बचपन में देख के बड़े हुए हैं। शायद जो आज की युवा पीढ़ी है वो लोग दूरदर्शन नहीं देखते होंगे, कुछ लोग हैं जो नहीं भी जानते होंगे, लेकिन हम लोग बचपन में दूरदर्शन देख कर ही बड़े हुए हैं जी। 1959 में दूरदर्शन आया, दूरदर्शन पे फिर फिल्मों का प्रसारण भी हुआ, कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ और कुछ विशेष कार्यक्रम जो समाज के हित में हैं उनका प्रसारण हुआ और समाचारों का भी प्रसारण हुआ, चाहे वो संस्कृत की बात करें या हिंदी भाषा की बात करें, तो अलग अलग भाषाओं में भी समाचारों का जो प्रसारण है वो लगातार हुआ जी। उसके बाद फिर जो मीडिया जगत की अगर बात करें तो एक क्रांति आई, वो क्रांति शुरू की हम कह सकते हैं, हमें इस बात पे गर्व भी है कि मीडिया जगत में जो क्रांति लाने वाला जो इंसान है वो हमारे हरियाणा से हिसार के एक चावल के व्यापारी जी डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, उन्होंने सबसे पहले टीवी चैनल जो हमारा जी न्यूज़ है जी उसकी स्थापना की जी। आप कल्पना कीजिए कि हरियाणा के किसी गांव से निकल के दिल्ली नोएडा जैसे बड़े शहरों में जाके एक न्यूज़ चैनल की स्थापना करना जी। उसके बाद फिर सिलसिलेवार क्रांति आती गई, उसके बाद तमाम चैनल आज तक है, न्यूज़ नेशन है, NDTV है और तमाम बड़े चैनल्स जी हमारे अस्तित्व में आए, लोगों ने उन्हें देखा, पसंद किया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे समाज पर एक अपनी छाप छोड़ी जी। अब बात करें अगर हाल फिलहाल की जी, तो एक दौर था जो मैंने बताया कि महात्मा गांधी ने कोरे कागज़ पर पेंसिल से लिख के समाचार पत्र को निकाला जी। फिर दौर आया रेडियो का, फिर दौर आया टीवी का धीरे धीरे जी। लेकिन टीवी के बाद एक ऐसी क्रांति आई, उसको हम एक डिजिटल भारत का नाम दे सकते हैं जी। इंटरनेट नाम की एक चीज़ आई जी, स्मार्टफोन नाम की एक चीज़ आई जी, इंस्टाग्राम नाम की एक ऐप आई जी, फेसबुक आया है, ट्विटर आया है, फेसबुक आई है जी, और तमाम तरह की चीज़ें जो हमारे अस्तित्व में हैं। और आज लोगों की ये जो तमाम तरह की चीज़ें हैं ये मीडिया का ही एक सूचना प्राप्त करने का माध्यम हम इसे कह सकते हैं जी। और सभी लोग इसको आज यूज़ करते हैं, चाहे हम फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब की बात करें, किसी भी माध्यम की बात करें जी। तो पहले जो टीवी पर हम खबरें देखते थे जी, भाई हो सकता है कि एक इंसान बाहर अपने काम के लिए गया है, वो शाम को हारा थका घर जाएगा, फिर वो हो सकता है खाना खाते वक्त टीवी ऑन करके देखे कि पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं जी डॉक्टर साहब। लेकिन आज के दिन अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया की क्रांति आई है, सारी की सारी सूचनाएं हमारी जेब में हैं। जेब का मतलब स्मार्टफोन जी, हम स्मार्टफोन निकालते हैं तुरंत हम देखते हैं, जो चीज़ हम रात को देखने वाले थे वो हमने लाइव अपने फ़ोन में उसी टाइम देख ली है जी। तो आप देखिए कि सूचनाओं की कितनी क्रांति सोशल मीडिया के आने से आई है। एक वो दौर था जब महात्मा गांधी जी ने कोरे कागज पे पेंसिल से लिखा था जी, और एक ये दौर है कि सूचनाओं की भरमार है, क्रांति है, कोई भी सूचना रुक नहीं सकती आज के टाइम में, चाहे आप कहीं पर भी हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से हो रहा है जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत विस्तार से चीज़ों को समझाया। अब सब दर्शक के व्यूज़ को हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन विषय के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, मतलब आम जनमानस किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में डिजिटल चैनल हैं, लाखों की संख्या में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, मतलब व्यक्ति का जो एक मंतव्य है किस प्रकार से एक स्थिरता को प्राप्त करता है कि मुझे इस चैनल पर ही पुख्ता खबरें मिलेंगी या इस सोशल प्लेटफॉर्म पर, इस पर ही मुझे पुख्ता और सही जानकारी, विश्वसनीय जानकारी मिल पाएगी, वो पैमाना क्या है मानव मानस पटल का कि वो कैसे डिसाइड करता है? सैकड़ों की भीड़ में वो किसी एक चैनल को देखता है, लाखों की भीड़ में किसी और एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को देखता है, वो कैसे, कहाँ जाके वो आदमी का जो एक
डिसाइड करता है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को ही देखना है, वो कैसे डिसाइड होता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि देखिए डिजिटल मीडिया की क्रांति पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है। हर व्यक्ति कोई ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म चलाता है और सोशल प्लेटफॉर्म पर खबरें लगातार आती हैं, पूरा दिन खबरें आती हैं। तो ये वेरीफाई करना कि कौन सी खबर सही है, कौन सी खबर फेक है, ये बहुत बड़ी चुनौती है जी। आपको मैं बता दूं कि मीडिया इंडस्ट्री के लोग खुद कई बार चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौन सी खबर सही है, कौन सी फेक है, क्योंकि वेरिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। अभी जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का फाइनल मैच था जी, उसके बाद एक तस्वीर वायरल हुई थी, शायद आपको पता हो, दर्शकों को भी पता हो जी, कि उसमें दिखाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के ऊपर पांव जमा के बैठा है सोफे पे जी। वो खबरें जो थी पायरेटेड थी वो जी, मैं बता रहा हूँ जी, वो खबरें सोशल मीडिया पे, हर चैनल पे, हर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल धड़ल्ले से छाई हुई थी जी। और बहुत सारे लोगों ने नाराज़गी भी जताई कि भाई वर्ल्ड कप ये कितनी बड़ी चीज़ है, इसके लिए टीमें लड़ती हैं, महीने महीने तैयारी होती है, सालों भर में ये आता है, चार साल में एक बार होता है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है, बहुत खर्च होता है और खिलाड़ियों के अरमान जुड़े होते हैं भाई ये ट्रॉफी हम अपने देश में लेके आए, तो ये इतनी गलत चीज़ इन्होंने कैसे कर दी। तो जब हमने उस चीज़ को देखा तो हमें भी लगा कि भाई ये चीज़ सही है। लेकिन आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई भी खबर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो खबर अगर सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही है तो चांसेस हैं कि वो खबर फेक हो सकती है जी। जब तक कि कोई भी खबर किसी ऑथेंटिक टीवी चैनल पर आप ना देखें, उस खबर को आप सही मत माने और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस खबर को आप आगे भी फॉरवर्ड ना करें, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है जी। सब चीज़ें समझ में आती हैं, आपने मीडिया जगत के बारे में बहुत सी जानकारी साझा की। व्यक्ति कभी अमर नहीं होता, लेकिन जो किए हुए काम होते हैं वो अमर होते हैं, चाहे वो मीडिया जगत के या किसी भी और विधा में। तो मतलब किस प्रकार से आप महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया जगत, तो किस प्रकार से विश्वसनीयता कायम करे एक मीडिया जगत अपनी खबरों को आम जनमानस तक परोसने में, उसके अलावा क्योंकि मीडिया जगत एक ऐसा अनोखा एक जादू की छड़ी है जो अन्याय से पीड़ित व्यक्ति को न्याय के द्वार तक पहुंचा सकती है, और जो व्यक्ति न्याय के द्वार पर खड़ा है उसको न्याय से वंचित भी कर सकती है। तो ये वर्तमान में एक चुनौती नज़र आती है और इसको हम भली भांति से महसूस करते हैं, फेस करते हैं। तो इस चुनौती को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या इसका समाधान उचित हो सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आपने कहा कि भाई सही खबरें कैसे प्रसारित करें, एक विश्वसनीयता कैसे बनी रहे, बड़ा सवाल इसलिए है कि भाई टीवी पर जो खबरें आती हैं, टीवी पर प्रॉपर चैनल का एक सेटअप होता है, हो सकता है कि एक खबर के पीछे 10 लोग काम कर रहे हों जी, तो एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, लेकिन 10 लोगों की टीम लगातार अगर उस टॉपिक पर रिसर्च कर रही है तो वो गलत नहीं हो सकती जी। लेकिन हाल फिलहाल अगर विश्वसनीयता की बात करें तो जब से हमारे सोसाइटी में यूट्यूबर्स आए हैं जी, तब से थोड़ा सा विश्वसनीयता पर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि भाई ये खबर सही है या ये गलत है जी। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कम समय में अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कोई भी कंटेंट, कोई भी खबर उसको रिकॉर्ड करते हैं और बगैर एडिटिंग के या उसमें से कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ करके बिल्कुल हो सकता है उसमें कोई आपत्तिजनक चीज़ हो सकता है आप किसी व्यक्ति का आप इंटरव्यू ले रहे हैं और उसने कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अगर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल है तो उसको आप हटाइए, उसमें या तो आप बीप का इस्तेमाल कीजिए या उसको सिरे से हटा दीजिए जी। ठीक है, एक तो ये बड़ा सवाल है कि जो यूट्यूबर्स हैं उनको नॉलेज की बहुत कमी है, पत्रकारिता के जो सिद्धांत हैं, जो एथिक्स हैं, उन पर कुछ लोग हैं जो खरे उतरे हैं, लेकिन मैं कहूँगा आज के दिन ज़्यादातर लोग हैं जो कम समय में प्रसिद्धि पाने के लिए जो पत्रकारिता के एथिक्स हैं उनको साइड में रखकर काम करते हैं, जो समाज के लिए बड़ा खतरा है, घातक हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल घातक हो सकते हैं। और मैं एक सजेशन, एक सुझाव और मैं अपने भाई बहन जो यूट्यूबर हैं, खास तौर से जो यूट्यूब पे काम करते हैं, उनको देना चाहूँगा। आप यूट्यूबर हैं, आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश मेरी ये है, जब तक आप किसी काम को सीखोगे नहीं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करोगे, वो काम आप अधूरा करोगे और अधूरा काम हमेशा खतरनाक होता है जी। मेरा इशारा ये है कि आपको यूट्यूबर बनना है, आपको पत्रकारिता करनी है, तो आप पत्रकारिता से जुड़े हुए कोर्स
कीजिए जी, बहुत उम्दा, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है जी। अब ऐसे कोई भी माइक उठा के अगर पत्रकार बन जाएगा तो समाज के लिए निश्चित रूप से खतरा पैदा होगा जी। अब वो व्यक्ति क्या कंटेंट दिखाएगा, क्या सामग्री डालेगा, किस तरह से भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, उसको पत्रकारिता के एथिक्स नहीं पता है, सिद्धांत नहीं पता है जी, क्योंकि उसने वो नहीं पढ़े हैं। तो मेरी जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबसे गुजारिश है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं जो नेशनल टीवी या रीजनल टीवी नहीं उठा पाते, उन खबरों को आप उठाते हो, अपने ब्रेक भी करते हैं बिल्कुल। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान भी होता है यूट्यूबर के द्वारा जी। तो यूट्यूबर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी करता हूं मैं। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आपके पास कम से कम पत्रकारिता की कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा ज़रूर हो, आपको जो बेसिक जानकारी पत्रकारिता के बारे में है वो ज़रूर हो। जैसे मान लीजिए आप किसी क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं या किसी पीड़ित पक्ष का आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी, तो उसमें हमेशा ध्यान रखा जाता है, कभी भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखिए, जो पीड़ित होता है, पीड़ित पक्ष होता है या पीड़ित पक्ष का परिवार होता है जी, उसको हमेशा पर्दे के पीछे रखा जाता जी, है या उसको ब्लर करके दिखाया जाता है, गोपनीयता बनाए रखने बिल्कुल उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो, ये बड़ी खेद की बात है, बड़ी दुख की बात है, हम लोग देखते हैं, हमें बड़ा दुख होता है, जानकारी या ज्ञान के अभाव के कारण वो उन लोगों को बिल्कुल स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ये बहुत दुख की बात है। उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना यूट्यूबर्स की जिम्मेवारी है अगर वो इंटरव्यू लेने के लिए गए हैं तो जी। दूसरा, अगर मान लीजिए रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है जी डॉक्टर, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिसको अगर हम डायरेक्ट अपनी आंखों से देखें तो हम विचलित हो सकते हैं, वायलेंस नजर आएगा बिल्कुल। हो सकता है कि एक्सीडेंट में किसी का हाथ कट जाए जी, हो सकता है किसी का सिर फट जाए, कुछ भी हो सकता है, अवस्था में सब बिल्कुल। वो चीज़ें आप सीधे अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाते हैं वो बिल्कुल ही बिल्कुल बिल्कुल गैर तरीके से है, गैर कानूनी है जी। आप पत्रकारिता के एथिक्स पढ़िए, आप उसको दिखा रहे हैं तो उसको ब्लर करके दिखाइए। अगर आपकी तस्वीरें देखकर कोई व्यक्ति विचलित हो जाए, हो सकता कोई हार्ट पेशेंट हो जी, वो देख के एकदम विचलित हो जाए जी। तो कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को यूट्यूबर्स अपनाएं, आगे बढ़े, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखें कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कवरेज कर रहे हैं, कुछ भी आप कंटेंट लेकर आ रहे हैं उसकी आपको पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने किसी भी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, उसके मुंह के सामने माइक अड़ाया, कुछ भी पूछा जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जी जी। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग हैं जो किसी के भी घर में घुस जाते हैं यूट्यूबर्स जी, और बोलते हैं कि भाई ये देसी रेड है, ये है वो है, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है जी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर के अंदर बैठा है उसको प्राइवेसी का पूरा अधिकार है, वो उसका निजी जीवन है बिल्कुल बिल्कुल, उसकी वो निजता है, उस पर हम कोई खतरा नहीं डाल सकते, उसको हम नहीं टोक सकते कि वो क्या कर रहा है जी। और फिर भी यूट्यूबर क्या करते हैं, भाई हमने देसी रेट डाल दी, हम बिना बताए आ गए, या वो घर में क्या कर रहा है, वो सो रहा है या किस अवस्था में है, वो किस अवस्था में है, वो उसका निजी अधिकार है, उस पर हम कोई कटाक्ष नहीं कर सकते जी। तो ये जो अधिकार है ये पत्रकारों को, खासतौर से यूट्यूबर्स को पता होना चाहिए। अब कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो एथिक्स को साइड में रख के काम कर रहे हैं, उनकी वजह से कुछ ऐसे बेहतरीन यूट्यूबर्स जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी समस्याएं उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं बदनाम होते हैं। तो सभी यूट्यूबर्स से मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो सिद्धांतों पर करिए जी। आपको काम करना है सिद्धांतों पर करिए, और आप पत्रकारिता फील्ड से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कोर्स आप जरूर करिए, ताकि उस कोर्स में आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएं वो आप अपनी पत्रकारिता पर अप्लाई कर सकें जी। डॉक्टर साहब, आपने कोर्स की बात की, मास कम्युनिकेशन एक अलग फील्ड है, हर विश्वविद्यालय में इस प्रकार के कोर्सेज हैं, आपने यूट्यूबर के लिए भी आपने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भी कोई कोर्स कर सकते हैं, उन कोर्सों के बारे में थोड़ा बताते चलें कि वो क्या क्या कोर्स हैं जिनसे वो अपने जो उनके जो प्रैक्टिकल अनुभव है उसको थ्योरेटिकल अनुभव में भी एक्सपीरियंस में काउंट कर पाएं सर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास, जैसे अगर बात करें पत्रकारिता में जी, तो बैचलर डिग्री होती है जो 12th के बाद होती है, उसके बाद फिर एक मास्टर डिग्री होती है। अगर कोई यूट्यूबर या कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, उसके पास समय की कमी है, तो इसमें बहुत सारे डिप्लोमे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं 6-6 महीने के जी, वो फिर अलग अलग विषयों पर होते हैं। जैसे आपने एनिमेशन में कर लिया, मल्टीमीडिया में कर लिया, आपने प्रिंट मीडिया में कर लिया, आपने सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में कर लिया जी, या आपने रेडियो पर कर लिया जी, ये मीडिया में बहुत सारी फील्ड हैं जी, इन अलग अलग फील्डों में अलग अलग कोर्स होते हैं, तो आप किसी भी कोर्स में दाखिला ले सकते हैं आसानी से। और हरियाणा में तकरीबन जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं सभी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, और सभी में ये कोर्स
चालू हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं और पत्रकारिता की पढ़ाई करके समाज को जागरूक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर बिना ज्ञान व्यक्ति अधूरा है, और अधूरा ज्ञान अल्प ज्ञान व्यक्ति के विनाश में उसकी जड़ें पुख्ता कर सकता है, उसके विनाश को निश्चित कर सकता है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको विकास की तरफ बढ़ना है या विनाश की तरफ, निर्णय आपका है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।